हेलो गाइस, आज डेट है 2 अक्टूबर, अभी बज रहा है शाम का 6 और हमारी ट्रेन है 8:30 बजे गोथेनबर्ग से स्टॉकहोम के लिए, क्योंकि हम लोग फाइनली जाने वाले हैं पेरिस। वी गॉट अ फर्स्ट सैलरी एंड द फर्स्ट थिंग वी डिड फ्रॉम अ फर्स्ट सैलरी वॉज टू बुक राउंड टिकट्स टू पेरिस। तो ये 3 दिन के हमारी पेरिस की ट्रिप थी, बट उसमें मैंने एक फिलर डाला बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू अनदर कंट्री विच इज़ नियर बाई फ्रांस, दैट इज नीदरलैंड्स। सो वी विल बी विजिटिंग एम्स्टरडैम एज वेल। सो फॉर द फर्स्ट डे जो होगा टुमारो, टुडे इज 2nd अक्टूबर, 3rd अक्टूबर को अराउंड 9 AM विल बी इन पेरिस। देन विल टेक द बस एंड गोइंग टू द सिटी। सो अराउंड 10:30 to 11 विल बी इन द सिटी ऑफ पेरिस। देन 3rd अक्टूबर के पूरे दिन हम लोग स्पेंड करेंगे पेरिस में। देन रात को 12 बजे की बस लेके वी विल गो टू एम्स्टरडैम। वी विल रीच एट 7 AM ऑन 4th अक्टूबर। वहाँ दिन भर हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं 4th अक्टूबर को एम्स्टरडैम में। एंड फिर रात में एम्स्टरडैम से फिर वही टाइम रात को 12 बजे वी विल टेक द बस बैक टू पेरिस, जो हमें सुबह 6:30 या 7 बजे तक पहुँचाएगी ऑन 5th अक्टूबर। 5th अक्टूबर को दैट विल बी आर 3rd डे ऑफ आर ट्रिप एंड 2nd डे इन पेरिस। वहाँ पे वी विल कवर सम लेफ्ट प्लेसेस, होपफुली दैट विल बी गुड एंड नॉट वेरी टायरिंग। एंड शाम में फाइनली वी विल हैव टू रिटर्न बैक टू द एयरपोर्ट अराउंड 4 PM, क्योंकि हमारी फ्लाइट है बैक टू स्टॉकहोम एट 6:30। सो इट्स गोथेनबर्ग विच आई एम राइट नाउ इन माई स्टूडियो और होम। आई विल बी गोइंग टू गो स्टॉकहोम फर्स्ट, स्टॉकहोम, पेरिस, एम्स्टरडैम, पेरिस, स्टॉकहोम एंड गोथेनबर्ग। देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर स्टॉकहोम पे वी विल बी देयर ऑन द 5th ऑफ अक्टूबर रात को 9 बजे, विच इज़ अ सैटरडे। सो आई थॉट रात को सैटरडे है, संडे को रैदर दैन टेकिंग अ रेस्ट वाई नॉट स्पेंड द नाइट इन ऑन द एयरपोर्ट इट सेल्फ एंड लेट्स ट्राई टू कवर स्टॉकहोम एज वेल। सो इट्स 4 डेज, 4 सिटीज इन अ नटशेल। एंड यस, विदाउट एनी होटल्स आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली टायरिंग, बट इफ यू फील वेरी टायर्ड वी विल सी फॉर अ नियर बाई एन अ चीप होटल। बट आई हैव प्लान्ड सच, क्योंकि हमारी रात की जो जर्नी है वो बस में निकले, तो होपफुली बस में वी विल हैव सम गुड स्लीप। होपिंग दैट सब अच्छे से जाए, वी डू नॉट एंड अ वेरी टायरिंग, शुड हैव दिस स्माइल एंड दिस एनर्जी विच आई एम हैविंग राइट नाउ ऑन दिस फेस आफ्टर आई कम बैक एज वेल। एंड होपफुली इट विल बी वन ऑफ द ट्रिप्स फॉर माई लाइफ टाइम बिकॉज इट्स पेरिस बेबी, लेट्स डू दिस। तो सफ़र की शुरुआत मैं करता हूँ गोथेनबर्ग बस स्टैंड जाते हुए, जहाँ से हम लोग पहले जा रहे हैं गोथेनबर्ग का सेंट्रल स्टेशन, जिधर से हम लोग ट्रेन लेंगे टू स्टॉकहोम। ये रही वो ट्रेन रेड कलर की, एंड ये रहा मैं। तो स्टॉकहोम की ट्रेन 3 घंटे की थी। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचता हूं स्टॉकहोम, जहां से अब स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन से मुझे जाना है स्टॉकहोम एयरपोर्ट। तो स्टॉकहोम एयरपोर्ट जाने के लिए वहां के सेंट्रल स्टेशन से डायरेक्ट हमें ट्रेन प्रोवाइड होती है, विच इज़ द स्टॉकहोम अरलांडा एक्सप्रेस, जो कि येलो कलर की है जैसा आप देख सकते हैं। तो इस ट्रेन को बोर्ड करते हुए मैं 20 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूं स्टॉकहोम एयरपोर्ट, एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट। तो अभी बज रहा है सुबह का 4:45, 5:15 बोर्डिंग है। रात थोड़ा गुजरा ठीक ठाक, हमें एक चीज़ बताया नहीं थे शुरू में कि हम कल, मतलब आज तो थर्सडे हो गया, जिसमें निकले उसके एक दिन पहले जो ऑफिस था, ऑफिस से आके सो गए, तो लाइक रात में 4 बजे तक नींद नहीं आया। लाइक द डे ऑन विच आई हैव टू ट्रैवल, उस दिन बस मेरा 2 घंटा नींद हुआ है। सो दैट मेड दिस ट्रिप लिटिल चैलेंजिंग। ऑफिस से हाफ डे लेके जल्दी आ गए, सोचे पैक करके सो जाएंगे, बट ट्रिप के चलते ही नींद नहीं आया। एंड या सो वी स्लेप्ट ऑन द एयरपोर्ट 2 घंटा, सीट्स खाली थी तो लाइक लेट के तो स्लेप्ट 2 घंटा, आई थिंक ठीक नींद था। एंड नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट एंड वी विल बोर्ड एंड देन आई विल सी इन पेरिस। पाँच डिग्री से भी कम है आई गेस, 5 डिग्री तो अंदर था। तो फ्लाइट लैंड करते हुए मैं पहुंच जाता हूं पेरिस, पेरिस के बुवे एयरपोर्ट पे ये मैं लैंड करता हुआ। बट पेरिस बुवे एयरपोर्ट सिटी सेंटर से 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसीलिए हमें पहले लेना पड़ेगा एक बस। वो बस 1 घंटे 15 मिनट लगाती है
जिसके लिए बहुत लोग इस एयरपोर्ट से लाइन में खड़े रहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इट टेक्स सम टाइम टू रीच इनटू द सिटी, बट या देयर वी आर इन द बस गोइंग टू पेरिस सिटी। तो एक बार पेरिस पहुंचने के बाद सबसे पहला स्टॉप हमारा रहेगा पैलेस ऑफ वर्साई। पैलेस ऑफ वर्साई के बारे में वियर्ड चीज़ ये है कि वो पेरिस से थोड़े दूर है। पैलेस ऑफ वर्साई है वर्साई सिटी में, जो कि पेरिस से अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर है। तो उसके लिए हमें फिर से लेना पड़ेगा एक ट्रेन, काइंड ऑफ मेट्रो, बट हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो वी ग्रैब अ स्नीकर्स एंड देयर वी आर इन द वर्साई ट्रेन एंड हियर इज द पैलेस ऑफ वर्साई। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द एंट्री इज़ दैट यहाँ पर EU citizens under 25 को मिलती है एक फ्री टिकट, एंड आई गॉट अ फ्री टिकट बिकॉज आई हैड द रेसिडेंस परमिट एंड या आई सेव्ड माई 22 यूरोज फॉर एंट्रिंग इनसाइड दिस पैलेस, दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पैलेस। द पैलेस ऑफ वर्साई वॉज द होम टू द किंग Louis XIV। Louis XIV के प्रीडेसेसर्स Louis XIII ने ये पैलेस को बनवाया था, फिर Louis XIV ने इसे और बड़ा किया, बहुत सारे नए नए हॉल्स बनवाए, जैसे ये कॉयर हॉल आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसका रूफ टॉप जो डोम है दैट इज़ सो ब्यूटिफुली पेंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड, द होल पैलेस इज एक्चुअली ए मास्टरपीस। इस वीडियो गाइड में जो कि पैलेस के अंडर प्रेजेंट है, इसमें बताया जाता है कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैलेस वर बिल्ट एट व्हाट टाइम एंड बाय व्हाट किंग, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ये Louis XIV ने बनवाया था इन 1710, एंड सिमिलरली एक छोटा सा आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शो किया। बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लूम हैं इस पैलेस में, जहाँ पर हर तरह के किंग्स, हर जनरेशन के किंग्स, उनकी फैमिलीज रहती थी, और हर रूम में जो जो रहते थे उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए। Another thing which excited me about this palace was the beautiful walls. इतने सुंदर पेंटिंग, इतनी सुंदर कारीगरी जो कि इनके हर एक एक वॉल पर है, that is really just wow.
done with this beauty. Palace of Versailles. And now we are heading towards the Eiffel Tower. 4:30 we have our booking there to go on top. हिस्ट्री इसका यही है, यहाँ पे तीन बहुत बड़े किंग थे फ्रांस के, लुईस 14, 15, 16, लुईस 13 का ये गार्डन टाइप हुआ करता था, लेकिन जब लुईस 14 आए तो इसको लाइक एक प्रॉपर पैलेस बनाया, और लाइक बहुत सारा अलग अलग बिल्डिंग का पार्ट है, तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, लुईस 16 के समय रेन ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर आता है द अल्टीमेट किंग ऑफ फ्रांस, हिज नेम इज़ नेपोलियन, वो आके यहाँ कब्जा करता है एंड देन इट इज़ नेम्ड एज अ पैलेस ऑफ वर्सेई, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर किंग्स रहते थे 14, 15, 16 वही लुईस, तो इट वॉज लाइक अ रॉयल पैलेस टू देम, बट या इट्स नाउ द पैलेस ऑफ वर्सेई. लेट्स गो. सो वी आर फाइनली गोइंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्लेस. नेक्स्ट स्टॉप इज आइफल टावर. ये एक अकेला जगह है जो जोन वन में नहीं आता है. जोन वन इज लाइक द मेन पैरिस, मेन सिटी ऑफ पैरिस. ये है इन वर्साई. सो वर्साई इज़ फार फ्रॉम पैरिस, अलग से 1 घंटे की ट्रेन लेके आना पड़ता है. सो दैट्स वाई ये केप्ट इट ऑन टॉप, क्योंकि उसके बाद सारे ही मेजर अट्रैक्शन आर इन जोन वन नियर द आइफल टावर. सो या थैंक्स मैन. सी द व्यू फ्रॉम द स्क्वायर. देयर इज किंग लुई, सीइंग हिज सिटी देयर, एंड देयर इज हिज पैलेस, देयर इज हिज होम. वास्तव में भी रॉयल हाउस के पास हमें कहीं दिखा था. सो गाइस वी आर डन विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अ मॉन्यूमेंट, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड, द आइफल टावर. लेट्स गो. Finally, we are at the most famous monument in the entire world. We are at Eiffel आ रहा है ना, वी विल बी टेकिंग दैट एंड गोइंग देयर. नाउ वी विल बी गोइंग इनसाइड द आइफल टावर. बाय इनसाइड आई मीन हम लोग जाएंगे लेवल 1 पे जो कि फर्स्ट फ्लोर है, लेवल 2 पे विच इज द सेकंड फ्लोर, एंड टू द समिट विच इज द टॉप. एंड द व्यू दैट यू आर सीइंग राइट नाउ इज कॉल्ड द एस्प्लेनेड, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द बॉटम एरिया, एंड ऊपर आप देखोगे तो यू कैन सी द इनसाइड्स ऑफ द आइफल टावर फ्रॉम द लाइक वेरी बॉटम. सो दिस इज़ कॉल्ड द एस्प्लेनेड, एंड सून हम लोग हर एक लेवल पे जाने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेवल. सो जब तक मैं आइफल टावर के ऊपर पहुंचता हूँ, हेयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द आइफल टावर. सो द आइफल टावर इज ऑफ कोर्स द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन पेरिस. इसको बनाया गया था 1889 में टू मार्क द 100-year एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो हमने अपने हिस्ट्री बुक से पढ़ा था. सो दिस इज कॉल्ड द आइफल टावर बिकॉज इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है गुस्ताव आइफल, हु वी विल मीट एट द टॉप ऑफ द आइफल टावर वेरी सून. एंड येस, नाउ इट इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल structure in the whole world. Oh my god. Never stop. Oh no, Diesen Antrieb, also dann wird es so weit. Nein, nein.
Mesdames, le deuxième étage, tout le monde descend, changement d'ascenseur pour le sommet. Welcome to the second floor, you have to change elevator, change lift if you are going to the top. La planta, hay que cambiar para subir más. सो मैं पहुंचता हूं पहले सेकंड फ्लोर ऑफ द आईफिल टावर, लेकिन क्योंकि मेरे पास समिट के भी टिकट्स थे तो मुझे सीधे सबसे पहले वहीं जाना था, टू द टॉप ऑफ द आईफिल टावर। लोगों में यू कैन हियर द गैस्पिंग बिकॉज वी आर गोइंग सो टू द टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हमारे नाक कान सब में कुछ ना कुछ या द चेंजेस वर गेटिंग ऑब्जर्व। I'll look it on the video and after. Yeah, right? Oh. Do you have to stay up one? I'm coming down on the next one. Marco. Oh. Oh, this isn't bad. Okay, it's all. ऊपर पहुंचने के बाद हवा की स्पीड का तो ठिकाना ही नहीं था, इतना तेज हवा चल रहा था। यू कैन सी मी विदाउट अ कैप बट 5 मिनट्स इन एंड मुझे लगा मेरे से नहीं होगा, आई हैव टू वेयर माई कैप बिकॉज इतनी ठंडी लग रही थी। आई टेक आउट माई ग्लव्स ऑल्सो। तो समिट पे अराउंड 1 घंटे स्पेंड करने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे लेवल 2 या लेवल 1 पे, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इतना तेज़ हवा। एंड या सो मैंने सोचा 2 लेवल्स और बचे हैं, लेट्स एक्सप्लोर देम। एंड करेंटली आई थिंक आई एम एट लेवल 1 जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं और सनसेट का बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ से। सो यू कैन सी आईफिल टावर इज कम्प्लीट। We went to the summit, we came to the second floor and currently we are at the first floor. So yahan se we are seeing the center sunset, as you can see mere chehre pe kuch dikh raha hai. So I'll turn it around and show you. Aise to ab to sun bahut niche ja chuka hai but fir bhi. Plan to ye tha ki we will be at the summit till 7:30 kyunki
वहाँ से हमें पूरे शहर की लाइटिंग देखनी है, द सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस। बट वहाँ खाने का कुछ इंतजाम नहीं था, पानी का कुछ इंतजाम नहीं था, और हवा इतना तेज चल रहा था, बहुत ठंड बढ़ गई थी। तो वी केम टू द सेकेंड लेवल, जहाँ पे वी एट इक्लेयर, दैट वॉज फॉर 5 यूरो 500 रुपीज़, इतना छोटा सा इक्लेयर के लिए। बट या साइफल टावर, वॉट डू एक्सपेक्ट। सो वी जस्ट एट इट स्टमक्स, एंड करंटली वी आर एट द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ टू सी द सिटी स्पार्क, टू सी द सिटी इन लाइट, बिकॉज सनसेट होने वाला है। सो आई एम वेटिंग, देख के ही जाऊँगा ऐसा सोच रहा हूँ। लेट्स वेट। अपने लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नज़ारे देखने के बाद मैं जाता हूँ पेरिस मेट्रो पकड़ के टूवर्ड्स पेरिस बस स्टैंड, जहाँ से हम लोग डे टू करेंगे इन एम्स्टरडैम, बिकॉज हमारी 3 दिन की ट्रिप है इन पेरिस एंड एम्स्टरडैम, जहाँ पे सेकेंड डे वी हैव फॉर एम्स्टरडैम। बट बिफोर गोइंग टू एम्स्टरडैम वी कम टू पेरिस का इंडिया गेट। नो लिटरली, लाइक दिस इज़ द पेरिस का इंडिया गेट, बिकॉज इंडिया का जो इंडिया गेट है, it is inspired by this Paris ka Arc de Triomphe, and because they have the same architectural minds behind them, and yep, India ka India Gate is a inspiration of this Arc de Triomphe in Paris. पैलेसे स्ट्रीट, यहाँ से सीधा हम लोग जाते हैं तो हमें मिलता है आर्क दे ट्रायंफ, एंड वो देखियो फ्रांस के कलर्स ऊपर। तो इसी तरह मेरा डे वन इन पेरिस होता है ख़त्म, और पेरिस के व्लॉग का पार्ट वन भी इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे एम्स्टरडैम का व्लॉग विल बी इन अ सेपरेट वीडियो, एंड फॉर पेरिस पार्ट टू, जो कि यहाँ से शुरू होता है, स्टे ट्यून्ड, विच आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून, एंड होपफुली आपको भी पसंद आए। In part 2, we will be covering Notre Dame, Louvre Museum, and the incredibly awesome Seine River Cruise. So stay tuned, and thank you for watching.